हैं कि हम वीर सावरकर की भी औलाद हैं और शहीद भगत सिंह की भी औलाद हैं और हमें गर्व है दोनों लोगों के ऊपर। आपने देखा ना पंजाब के अंदर कभी 30 साल में कभी झंडे देखे थे आपने खालिस्तान के? सरकार आने के बाद खालिस्तान के झंडे चलते हैं। देखिए कभी भी किसी को पकड़ा जाता है ना तो वो बीमार जरूर पड़ जाता है। सत्येंद्र जैन जी बीमार हुए ना अभी, वो कहते हैं हमको याद ही नहीं आ रहा कि हमने कितने करोड़ किससे लिए। तो ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया और किसका है और कब तक कहाँ से रखा हुआ है। तो कि आप सावरकर की औलाद हो, ये बोलने का तरीका है एक देश के, एक राज्य की, देश की राजधानी के, कैपिटल के मुख्यमंत्री का कि पैंट के लिए हो जाती है, ये कोई कह सकता है? ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पार्थ जो हैं उनके टीएमसी के नेता काफ़ी ज़्यादा वो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी, उनके घर में 20 करोड़ का पैसा, अब ये पैसे को लेकर जो खेल चल रहा है, जो झोल चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जिनके घर में, हम लोगों के घर में कुछ पीछे के कमरे में कुछ कबाड़ा बड़ पड़ा रहता है और हमने देखा कि जो आज आपने टीवी पे कि कितने रुपए भरे हुए थे कमरे में, वो 20 करोड़ से ज्यादा है। ये तो 20 करोड़ अभी तक काउंट हो चुके हैं। मेरा ये कहना है कि जब भी इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है तब ये कहते हैं कि ये विपक्ष की पार्टियां हैं, हमको सताया जा रहा है। अब जवाब दीजिए ना, मैं तो यही पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ये 20 करोड़ किसके हैं ममता जी? ये जवाब दीजिए केजरीवाल जी कि ये 200 एकड़ लैंड 350 करोड़ की कहां से आ गई सत्येंद्र जैन की? जवाब नहीं देते ये लोग। जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तब ये कहते हैं कि हम गरीबों के लोग हैं। अरे ये कह के बच नहीं सकते, ये कह के बच नहीं सकते। मेरा ये कहना है जो भी जांच हो उसका जवाब देना चाहिए। आप सही हैं तो आप बच के आएंगे। मोदी जी के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया था, मोदी जी के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया था और 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया। हर जगह पर वो गए और कहा कि हमसे जो भी जांच करनी हो कर लो। मेरा ये कहना है कि ये जो 20-20 करोड़, 200-200 करोड़ और 500-500 करोड़ लोग हैं, ये सब लोग जवाब दे सरकारों को। और यहाँ पर विपक्ष और पक्ष की बात नहीं होती, जो गलत होगा चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या विपक्ष का हो, यदि गलत करता है तो उसको जेल में भेजना चाहिए। जी कहती है हम इस लड़की को जानते नहीं है, हमने फोटो दिखाई किस तरीके से ममता जी एक ही मंच पर उससे बात कर रही है। ऐसे समय पर जब पैसा पकड़ जाए और कोई कहे हम उनको जानते नहीं हो, जब उनको फोटो और उनको वीडियो दिखाई जाती है तब वो कुछ नहीं बोल रही है, अब वो बोलेंगी भी क्या? मेरा ये कहना है कि इस देश को बचाने के लिए ये जो लोग हाथी के दांत दिखा रहे हैं, हाथी के दांत दिखा रहे हैं, जो दिखाने के हाथी के दांत हैं पर खाने के कोई और हैं, इसलिए उनके खाने वाले दांत सब लोगों को देखने चाहिए। यही तो केजरीवाल जी हैं जो ढीली पैंट और ढीली शर्ट पहनते हैं। 1 करोड़ 44 लाख की गाड़ी खरीदी है 15 दिन पहले, 1 करोड़ 44 लाख, वो ब्लू कलर की वैगनार कहाँ गई किसी को नहीं मालूम है। मेरा ये कहना है कि कम से कम 21 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल और घर का रेनोवेशन बना रहे हैं। एक एक दरवाजा 6-6 लाख का है, 6-6 लाख का दरवाजा, ये कौन आम आदमी है? ये तो खास हो गए हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम वीर सावरकर की भी औलाद हैं और शहीद भगत सिंह की भी औलाद हैं और हमें गर्व है दोनों लोगों के ऊपर। हम बंटवारा नहीं करना चाहते कि ये क्रांतिकारी आपका और ये क्रांतिकारी हमारा है। सबने मिलकर देश को आजादी दी है, किसी एक आदमी ने नहीं दी है। चाहे बात टीएमसी की बात हो चाहे फिर अभी आम आदमी पार्टी की बात, अब दोनों में देखेंगे समांतरण ईडी पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है केंद्र के इशारों पर चल रही है। जब किसी चोर को पकड़ा जाता है तो क्या कहता है कि मैंने चोरी नहीं करी? जब उसको चोरी दिखा दी जाती है तो बोला मैं गरीब आदमी हूं। यही बात केजरीवाल भी कह रहे हैं और यही बात ममता बनर्जी भी कह रही हैं। जब उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, उनका भंडाफोड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार निकल रहा है और उनका कट्टा ईमानदार आदमी 350 करोड़ की लैंड खरीदता है दिल्ली के अंदर, तब वो कहते हैं कि ईडी सीबीआई हमको काम नहीं करने दे रही। हम तो कह रहे हैं कोई भी चीज हो आप चेक करो, और यदि आपके ऊपर, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपा के कोई नेता के ऊपर भी कोई ऐसी चीज है चेक करिए और जेल भेजिए, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने अभी अभी कहा कि बीजेपी के किसी भी नेता पे ऐसे आरोप नहीं लगे, तो यही सवाल वो भी उठा रहे हैं कि आप भाई अभी तक आम आदमी पार्टी और आपकी विपक्षी पार्टियां क्यों दिख रही है आपको? भैया शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तब यही से कागज हिला हिला के कहते थे इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं हमारे पास, वो 8 साल की सरकार में एक बार भी FIR नहीं कराई। वही कपिल सिब्बल की फोटो हर ऑटो के पीछे लगी होती थी कि कितना चोर आदमी है, कितना करप्ट आदमी है। वही कपिल सिब्बल सत्येंद्र जैन के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है।
तो मेरा ये कहना है कि ये सब दिखाने वाली बातें हैं मैडम, इनको कुछ करना होता तो आज तक 8 साल में लोकपाल बिल नहीं ले आते। लेकिन विपक्ष कहता है बार बार और लगातार यही कहता है कि नरेंद्र मोदी ने देश को, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब वो उनसे कुछ नहीं हो रहा, तो विपक्षी पार्टी उनकी पार्टियों को वो निशाना बना रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, देश में और लोकतंत्र में अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, और जब तक अच्छा विपक्ष नहीं होगा देश का लोकतंत्र नाराज रहेगा, खराब रहेगा। मैं ये बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, परंतु इस देश में यदि लोकतंत्र में विपक्ष लाना है तो कांग्रेस इज फार बेटर देन आम आदमी पार्टी एंड ममता बनर्जी, क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने 70 सालों से देश चलाया है, 150 साल का उनका इतिहास है, ये अभी 10-10 साल नहीं पूरे हुए और इतने बड़े बड़े करप्शन के काम हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये दोनों पार्टियां अपनी सरकार बचाने के लिए अपने राज्यों को बेच देंगी। आपने देखा ना पंजाब के अंदर कभी 30 साल में कभी झंडे देखे थे आपने खालिस्तान के? सरकार आने के बाद खालिस्तान के झंडे चलते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि अपनी सरकार बनाने के लिए कोई खालिस्तान ले आता है और कोई बांग्लादेशियों को ले आता है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यदि स्वतंत्र और अच्छा वो चाहिए, अच्छा विपक्ष चाहिए, तो कांग्रेस को आना चाहिए और मजबूत तरीके से आना चाहिए। पर समस्या क्या है कि उनका नेतृत्व चेंज नहीं होता, कांग्रेस मजबूती से खड़ी नहीं हो पाती, यही आज के देश की एक कमी है जिसको मेरे को लगता है। अब जैसे ईडी की बात करें और कांग्रेस की भी आपने बात की है, तो अभी सोनिया गांधी भी गई थी ईडी के सामने, पेश हुई थी, और इसके बावजूद जो कांग्रेस के लोग हैं वो सड़कों पे आ गए, तो ये जो लोकतंत्र पे जिस तरीके से तमाशा बनाया जा रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? एक कंपनी नेशनल हेराल्ड, जिसको आजादी से पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने बनाई थी, उसका पूरा इंडिया में जो एसेट है वो 2000 करोड़ से ज्यादा है, और 90 करोड़ का जब लॉस हुआ तो कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए दिया। यंग इंडिया कंपनी बनाई गई और वो 90 करोड़ रुपए उसमें ट्रांसफर किए गए और 90 करोड़ रुपए को सेटल कर दिया गया 50 लाख रुपए देके। इसका मतलब है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहती हैं, यही पूछने के लिए ईडी ने बुलाया है। तो जवाब देना चाहिए कि हम ठीक हैं, फिर तमाशा क्यों? और यदि इतना ही आपको विरोध करना था तो एक बार महंगाई पे भी कर लेते, एक बार जीएसटी पे भी कर लेते। जीएसटी की बात है, उस सब मीटिंगों में इनके लोग रहते हैं, ये हाँ कहते हैं और उसके बाद में आके कहते हैं कि ये नहीं ठीक है। मेरा ये कहना है ये दोगलापन है, आप अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को छोड़कर देश के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो कांग्रेस के साथ आज भी कुछ लोग हैं जो पुराने लोग हैं उनके साथ खड़े होंगे। देखिए कभी भी किसी को पकड़ा जाता है ना तो वो बीमार जरूर पड़ जाता है। सत्येंद्र जैन जी बीमार हुए ना, अभी वो कहते हैं हमको याद ही नहीं आ रहा कि हमने कितने करोड़ किससे लिए। क्यों क्यों भैया, तुमको इतना याद नहीं आ रहा? कोई 1000 रुपए थोड़ी ना लिए हैं आपने कि भूल गए? 300 करोड़ की बात चल रही है तो बोले कि हमको कोरोना हो गया था, मेरी याददाश्त चली गई है। जब सत्येंद्र जैन जी की याददाश्त जा सकती है तो अब जल्दी है, ये पार्थ जो आज पकड़े गए हैं इनकी भी कल तक बीमार हो गए, इनकी भी पता नहीं क्या होगा, हम तो नहीं चाहते ऐसी कोई बात करना। परंतु मेरे का आपके चैनल के माध्यम से यह है कि ये जरूर बताएं अर्पिता मुखर्जी से क्या रिलेशनशिप है। एक नायिका हैं, उनके घर पे इतना पैसा, हर उनके कार्यक्रम में उनके साथ रहती हैं, इनको ये भी बताना चाहिए पार्थ चटर्जी को कि अर्पिता मुखर्जी के साथ उनके क्या रिलेशनशिप है और कैसे पैसा उनके पास पहुंचा सरकारी पैकेटों के अंदर, और पैसा ऐसे पड़ा था जैसे लोगों के घर में भूसा पड़ा होता है। हमको यहाँ कनाट प्लेस में आने के लिए जब 500 रुपए का डीजल डलवाना पड़ता है तो हमको समझ में आता है 500 रुपए क्या है, और 2000 रुपए की गड्डियां ऐसी भरी पड़ी हैं, तो ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया और किसका है और कब तक कहां से रखा हुआ है इन्होंने। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, अभी ईडी जो है यही नहीं थमी है, यही नहीं रुकी है, टीएमसी के कई नेताओं पे भी निशाना है उनका, और धीरे धीरे करके टीएमसी के नेता बहुत ज्यादा घबराहट में है, इस घबराहट पे आप क्या कहेंगे? देखिए केजरीवाल जी ने क्या कहा, 3 महीने पहले कहा था कि सत्येंद्र जैन जी को पकड़ने वाले हैं तो पकड़ लिया, फिर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को पकड़ने वाले हैं तो सीबीआई इंक्वायरी हो गई। तो डरे तो वो सब लोग हैं जिन्होंने गड़बड़ किया है, और जिसने गड़बड़ नहीं किया तो डरने किस बात की भाई, किस बात की डर? हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जवाब देंगे, पर जब उनसे पूछा जाता है ये पैसा कहां से आया तब वो कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, हमने शिक्षा का व्यापार किया, हमने शिक्षा इतनी अच्छी करी, हमने हेल्थ इतना अच्छा किया। वो तो किया नहीं, पर 1% किया भी है यदि आपने
तो यदि शिक्षा ठीक भी की है 1% आपने, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप दिल्ली के पैसों को अपने ऊपर लुटाओगे। 21 करोड़ रुपए किसने बताया? आप अपने घर पे लगाओगे? यही वो आम आदमी जो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, 1,44,00,000 रुपए की गाड़ी, 10,000 गज का घर, 21 करोड़ रुपए में 5 लाख रुपए के दरवाजे हैं, एक एक दरवाजा 5 लाख क्या होता आप समझ लीजिए। कुछ लोगों की साल भर की सैलरी भी नहीं होती है। और कितने दरवाजे? एक आध नहीं, 37 दरवाजे हैं 5 लाख वाले। मैं क्या जवाब दूं आपको? सब इंक्वायरी चल रही है, पर यह है कि भैया देश ऐसे ही चल रहा है। आज उनकी हवा है दिल्ली के अंदर। हमसे आज गणेन्द्र भरद्वाज जी बैठे हुए थे, अभी इन्होंने कल टीवी चैनल पे पूछा हमने अराज ये क्या कर लिया आपने, हमने कहा 2 बार हराया है, 7 के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के, दिल्ली की जनता ने भाजपा को दिए हैं मोदी जी के लिए। और आप कहते हो वहां पे असेंबली में बैठ के कि बीजेपी वाले मोदी जी की पैंट गीली हो जाती है, ये क्या लैंग्वेज है आपकी? औलाद के बोलते हो कि आप सावरकर की औलाद हो, ये बोलने का तरीका है एक देश के, एक राज्य की, देश की राजधानी के, कैपिटल के मुख्यमंत्री का कि पैंट गीली हो जाती है? ये कोई कह सकता है? ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, IRS है? ये हमको शर्म आती है। और मैंने कल टीवी चैनल पे कहा News 18 पे कि हमको शर्म आती है कि केजरीवाल जी को जब टीवी चैनल पे, जिसमें बाकायदे भाई गलती में भाषण में गलती से बोल जाओ हो सकता है, उसके बाद उसको आप ट्वीट भी करते हो, ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी भाषा को सुधारिए, नहीं तो जनता देखती है, देख रही है, सबको जानती है, वो अपने आप जवाब देगी।